की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा के वेटरनरी यूनिवर्सिटी में आजादी के बाद पशुओं के लिए सबसे बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2.5 घंटे तक मथुरा में रहेंगे। इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मथुरा की धरती से प्लास्टिक के खात्मे के लिए लोगों से अपील करने के साथ ही पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के टीकाकरण कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। चलिए सीधे आपको लिए सबसे मथुरा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं। अभी तीन तस्वीर आप देख रहे हैं मथुरा से, जहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देख सकते किस तरह से बछड़े को दुलार कर रहे हैं और यहां पर आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ भी यहां पर मौजूद। अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव मथुरा से, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा के वेटरनरी यूनिवर्सिटी में आजादी के बाद पशुओं के लिए बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदित्यनाथ भी मौजूद, देश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी जी तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं आपको मथुरा से, जहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें ये कार्यक्रम जो है उसमें शरीक हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 2.5 घंटे तक वो मथुरा में रहेंगे और कुछ ही क्षणों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मथुरा। और ये तस्वीर में आप देख सकते किस तरह से जो मवेशी है उनका इलाज कैसे होता है, पशुओं का इलाज कैसे होता है, ये लाइव देख रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कौन कौन से संक्रमण उन्हें हो जाते हैं, साथ ही साथ टीकाकरण का भी आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और आपको बता दें प्लास्टिक को लेकर काफी चिंतित है प्रदेश सरकार और साथ ही साथ देश की सरकार, और आज प्लास्टिक के खात्मे के लिए आह्वान भी करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर किस तरह से सर्जरी की जा रही है गाय की, वो लाइव तस्वीरें यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर। अधिक जानकारी का संवाददाता भी जुड़ गए जयप्रकाश। जयप्रकाश, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और यहां पर वो लाइव सर्जरी देख रहे हैं कि कैसे पशुओं का इलाज किया जाता है, क्या कुछ कार्यक्रम है, कितनी देर वक्त तक यहाँ वो रुकेंगे और उसके बाद कहाँ प्रस्थान करेंगे और कितने कुछ कार्यक्रम है। जी, मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ चुके हैं। आते ही उन्होंने पहले से सभी पशुओं, जो करीब 2000 पशुओं को यहाँ पर बुलाया गया है, जिनमें से कुछ पशु दुधारू पशु हैं जो अच्छी नस्ल के हैं, उनको उन्होंने माला पहनाई है और उन्होंने यहाँ पर सर्जरी देखी है। जो जिन पशुओं को कैंसर हो गया है उन पशुओं को देखा गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी 361 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तथा 40 अटल वाहनों का टिकाण के लिए रवाना भी करेंगे पूरे देश के लिए। और 117 करोड़ से बने 150 पशु चिकित्सालय और गौ संरक्षण केंद्र का भी शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल, इस वक्त कौन कौन से मंत्री और साथ ही साथ कितने जो जनप्रतिनिधि हैं वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, और अगर बात करें यहां से कहां प्रस्थान करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रमनलाल कटारिया जी और श्री संजीव सिंह बालियान जी और सांसद जय मालनी भी मौजूद हैं और कई बड़े नेता भी यहां पर उपस्थित हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहां के लिए प्रस्थान करेंगे और कितने वक्त तक यहां पर रुकने वाले हैं? यहां करीब उनका प्रोग्राम करीब 1.5 घंटे का है। उसके बाद वो कहां के लिए प्रस्थान करेंगे?
प्रकाश, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के बाद किस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचेंगे? चलिए तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर डॉक्टर से भी बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पशुओं में किस तरह से कौन सी बीमारी हो जाती है और किस तरह से उसका इलाज किया जाता है, और ये यहां पर बात करते हुए डॉक्टर से कि किस तरह से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां डॉक्टर से भी बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। लगातार प्रदेश सरकार इस दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी हुई थी। और आपको बता दें कि काफी अहम दौरा माना जा रहा, कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ कई प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौजूद हैं, और काफी अहम यह दौरा माना जा रहा है उनका। इसे लेकर प्रशासनिक अमले ने काफी कुछ तैयारियां की है। यहां पर सबसे पहले वो पहुंचे हैं, मथुरा पहुंचते ही जो गाय है उनका किस तरह से इलाज किया जाता है, वेटरनरी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार डॉक्टरों से बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लाइव सर्जरी भी देख रहे हैं। उनका ये जो कार्यक्रम था वो पहले से प्रस्तावित था कि यहां पर आकर वो सबसे पहले कैसे गायों की सर्जरी की जाती है वो लाइव देखेंगे, और डॉक्टरों से भी जानकारी ली जा रही है कि किस तरह से ये काम किया जाता है, और साथ ही साथ पशुओं में यानी कि गायों में किस तरह की संक्रमण या किस तरह की बीमारियां भी होती हैं। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव मथुरा से, आज कृष्ण की नगरी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लगातार और यहां पर पशुओं की सर्जरी को लेकर या उनके रखरखाव को लेकर उनके इलाज को लेकर लगातार डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीर में हम लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद। और ये अंदर की तरफ जाते हुए अंदर और निरीक्षण करते हुए टीकाकरण का शुभारंभ यहां पर करने वाले हैं, पशुओं के टीकाकरण के लिए यहां पर महिलाएं भी मौजूद हैं। और इसी भी तस्वीर हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं, और ये पॉलीथिन को लेकर लगातार जिस तरह से सरकार सख्त रवैया अपनाए हुए है, और यहां पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक को लेकर यहां पर प्लास्टिक इकट्ठा किया गया है, शायद ये वही प्लास्टिक है जो कहीं ना कहीं जानवरों के द्वारा निगल लिया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन करके वो प्लास्टिक बाहर निकाला जाता है। शायद ये वही प्लास्टिक है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देख रहे हैं किस तरह से प्लास्टिक को लेकर देश प्रदेश सरकार और देश सरकार यहां पर सचेत है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर प्लास्टिक के ढेर लगा हुआ है, तो इस प्लास्टिक को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सजग करते रहे हैं, क्योंकि इस प्लास्टिक के खाने से कई पशुओं की मौत भी हो जाती है। और ये यहां पर महिलाएं भी इन प्लास्टिक की जो पॉलिथीन है उन्हें लेकर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को दिखा रही हैं कि किस तरह से ये प्लास्टिक ये गंदगी ये फैलाई जाती है और जो जानवर और पशु इसे खा लेते हैं और जिससे उनकी मौत हो जाती है। और आज साथ ही मथुरा में प्लास्टिक के खात्मे की मुहिम छेड़ने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पशुओं के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ ये रखा गया है यहां पर। और इसी भी तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त मथुरा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वेटरनरी विश्वविद्यालय में है पशु आरोग्य मेले का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही पशु में होने वाली अलग बीमारियों के टीकाकरण कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी देश भर के लिए 40 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आप ये देख सकते हैं कैसे प्लास्टिक को डिकम्पोज किया जाता है, उसका यहां पर एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। यह मशीन है जो डिकम्पोज करती है इस प्लास्टिक की चीजों को, और ये देखिए किस तरह से इस मशीन का छोटा रूपांतरण यहां पर दिखाया गया है, और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया जाता है। कैसे डिकम्पोज ये प्लास्टिक किया जाता है आप तस्वीर में देख सकते हैं, प्लास्टिक को किस तरह से डिकम्पोज किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक वो तत्व है जो डिकम्पोज नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो प्लास्टिक है वो कैसे मथुरा के वेटरनरी यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पर महिलाओं से बातचीत करते हुए उसके बाद कैसे डिकम्पोज किया जाता है प्लास्टिक को वो मशीन देखने के बाद अब पहुंच रहे हैं कार्यक्रम की तरफ, और यहां पर डॉक्टरों से बात करते हुए पशु चिकित्सकों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव तस्वीर है। और इसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव मथुरा से, जहां पर प्रधानमंत्री का आज दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और पशु चिकित्सकों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि आज मथुरा में 1049 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ यहां पर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी अहम यह दौरा, 1059 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये यहां पर वेटरनरी अस्पताल का निरीक्षण लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है, और पशु चिकित्सकों से भी संक्रमण बीमारियों के बारे में जानकारी ली जा रही है।
और यहाँ पर सर्जरी किस तरह से की जाती है और साथ ही संक्रमण के बाद कैसे पशु की जान बचाई जाती है, हर एक बारीकी के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं पशु चिकित्सकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हर एक जानकारी उनसे ली जा रही है। जो भी पशु चिकित्सक वहां मौजूद हैं, पशु में होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में पशु चिकित्सकों से जानकारी जुटाते हुए प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पशुओं की सर्जरी का जायजा लेते हुए और उसके बाद अब आगे की तरफ रुख कर रहे हैं। यहां पर कैसे टीकाकरण को लेकर, यहां पर पशुओं का टीकाकरण, जो बीमारी होती है संक्रमित बीमारी, उनका टीकाकरण का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर टीका लगाया जा रहा है पशुओं को, इसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हर तरह की बीमारी का जायजा लेते हुए और साथ ही साथ चिकित्सकों से भी बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से कार्य किया जाता है, किस तरीके से सर्जरी की जाती है और किस तरह से टीकाकरण किया जाता है। उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दायक होती है और कैसे ये इससे बचा जा सकता है? इस रोग का कोई इलाज नहीं है, केवल टीकाकरण ही हमारे पशुओं में इसका इलाज है। मनुष्य में अगर ये हो जाए तो इसमें बुखार आता है, पसीने आते हैं और ये हमेशा बना रहता है। इस रोग का कोई इलाज नहीं हो सकता, तो टीकाकरण जरूर करवाना होता है और टीकाकरण के दौरान पशु चिकित्सक को भी बचना होता है कि कहीं उसे भी इस तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। पशु चिकित्सक देखिए यहाँ पर माउथ मास्क उन्होंने लगा रखा है, कैप भी पहन रखी है, अप्रेन भी लगाया हुआ है, तो इसे खुले तरह से नहीं लगाया जा सकता। ये ब्रुसेला प्रोग्राम भी आज लॉन्च किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% ग्रांटिनेट कार्यक्रम होगा। और अब मेले का वो हिस्सा जहां प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसानों से बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, इसके साथ साथ मृदा से जुड़ी योजनाएं हैं। The government has said.
और यहाँ पर सभी जो अलग अलग हिस्सों से प्रदेश के जो किसान आए हैं उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्हें किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से खेती का कार्य चल रहा है उसके बारे में पूछते हुए प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। और यहाँ पर हर क्षेत्र से आए किसान हैं उनसे बारीकी से खेती किसानी के बारे में जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ कहां तक उन पर पहुंच रहा है, साथ ही साथ उस लाभ से उन्हें क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेते हुए और रूबरू होते हुए उन किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन विषयों पर किसानों के साथ पशु आरोग्य और पशु विज्ञान मेला में प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए। किसानों के लिए ये काफी सुखद क्षण है जब देश के प्रधान सेवक स्वयं उनसे जुड़ी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक कितनी पहुंच रही हैं और कैसे वो लाभान्वित हो रहे हैं इस पर इस समय चर्चा करते हुए। पशु आरोग्य और पशु विज्ञान मेले का, और आपको बता दें सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बुलेटिन में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।